गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल संचना हब। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस आई रिसेंटली चेंज्ड माय चैनल नेम संचना व्लॉग्स टू संचना हब। सो गाइस ऐसा कुछ खास रीजन नहीं है, इट्स जस्ट मेरा जो शेड्यूल है अभी वो काफी बिजी हो गया है पहले के कंपैरिजन में, क्योंकि मेरे कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस होती हैं और मैंने 2-3 ऑनलाइन कोर्सेज में भी एडमिशन ले रखा है तो उसकी भी क्लासेस होती हैं, तो इसलिए मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं बचता है डेली व्लॉगिंग का, तो इसलिए मैंने नेम चेंज कर दिया है। और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं व्लॉगिंग नहीं करने वाली हूँ, आई डेफिनेटली व्लॉग बट इन अ वीक और अ मंथ ऐसे। सो इसलिए मैंने नाम चेंज कर दिया। अब आपको मेरे चैनल पे सारी वीडियोस मिलेंगी, ब्यूटी रिलेटेड वीडियो, स्किन केयर, हेयर केयर एंड सो मेनी अदर थिंग्स। सो प्लीज स्टे अपडेटेड, आप मेरे हब का मेंबर बन सकते हैं किसी भी टाइम पे। आपको कुछ नहीं करना है, इट इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको सिर्फ नीचे जाके मेरे बटन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज मुझे सपोर्ट करें गाइस। सो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो फटाफट से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ माय हब एंड बी माय हबी मेंबर्स। सो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा बात नहीं करते हैं वरना बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज जो का टॉपिक जो है वो है डार्क सर्कल्स। एक्चुअली मेरे साथ जो प्रॉब्लम है, मैं सबसे ज्यादा डार्क सर्कल से इरिटेट होती हूँ और मेरे को जो डार्क सर्कल्स बहुत जल्दी आ जाते हैं मेरे फेस पे। मेरे को ज्यादा पिंपल्स एक्ने प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, बट यार डार्क सर्कल इज अ मेजर प्रॉब्लम इन मी। एंड अगर थोड़ा भी खाना पीना कम किया है या फिर जैसे भी आपने सोना कम किया है तो फटाफट से डार्क सर्कल्स आ जाते हैं। सो अभी लास्ट जैसे मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन क्लासेस वगैरह, तो फोन चलाना लैपटॉप चलाना कंटिन्यूसली तो आईज में काफ़ी प्रॉब्लम मेरी स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि कंटिन्यू फोन चलाना है और ये करना है वो करना है, नींद पूरी नहीं होनी है। सो मेरे काफ़ी डार्क सर्कल्स हो गए थे, तो मैंने एक हफ्ते के लिए ये रेमेडी ट्राई की और उसके बाद जो रिजल्ट है ना गाइज, यू वोंट बिलीव, सीरियसली इतना प्यारा रिजल्ट आया ना, जस्ट 1 वीक, ओनली 7 डेज। अगर आप 7 डेज ये फॉर्मूला फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपके डार्क सर्कल चले जाएंगे और बहुत ही ईजी है, कोई टाइम गेनिंग नहीं है, आपको कोई भी एक्सपेंसिव क्रीम खरीदने की जरूरत नहीं है, नाइट क्रीम खरीदने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ईजी है, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको बनाना लेना है, बनाना का पील ऐसे इस तरीके से बनाना को पील ऑफ कर लेना है, और बनाना का पील ऑफ करने के बाद आपको जो बनाना का हाफ, जैसे आपने हाफ कर लिया ये, उसको अपनी आईज पे रखना है इस तरीके से और हटाना है, रखना है और हटाना है, मतलब इन शॉर्ट आपको मसाज करनी है इससे, इस तरीके से यू जस्ट हैव टू मसाज, अपनी अंडर आई पे रखना है जहाँ पे भी डार्क सर्कल्स हैं, हटाना है, रखना है, हटाना है, इसी तरीके से दोनों साइड आपको ये प्रोसेस करना है। बनाना इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ सो एंड ऑल्सो फॉर योर स्किन, तो बहुत हेल्प करता है ये डार्क सर्कल्स में। आप कोशिश करना कि फ्रिज से ठंडा ठंडा बनाना निकालना, उसके बाद उसकी पील हटा के अपनी आईज पे ऐसे रखना और हटाना, मसाज करना, तो उससे ठंडा ठंडा भी होगा ये, तो आपकी आईज थोड़ी अच्छी फील हो, अच्छा फील करेंगी ठंडे ठंडे की वजह से, और आपके डार्क सर्कल्स रिमूव करने में भी ये बहुत हेल्प करेगा। अभी इन 1 वीक में मुझे ये रिजल्ट मिला है, मतलब यू कैन सी मेरे अब थोड़े थोड़े डार्क सर्कल्स जो थे ना वो ख़त्म हो गए हैं और एकदम जाते जा रहे हैं धीरे धीरे करके। सो ये पील आपको यूँ हल्के हाथों से, लाइक एकदम लाइट हाथों से हटाना है और रखना है इस तरीके से। आपको इसको 2 बार करना है, एक बार सुबह और एक बार शाम को, इट मीन्स सोने से पहले या फिर सुबह उठने के बाद। सो ये प्रोसेस आप 7 डेज करो और यू डेफिनेटली गोना डू सक्सेस। अगर आपके पास बनाना नहीं है तो आप पोटैटो भी ले सकते हो, बॉयल पोटैटो नहीं, नॉर्मल रॉ पोटैटो जो होता है, रॉ पोटैटो के अंदर व्हाइटनिंग क्वालिटीज होती हैं, तो उसको पील ऑफ करके पोटैटो को लेके अपनी आईज पे सेम इसी तरीके से करना है, रखना है, हटाना है 7 डेज गाइस। जस्ट आपको रेगुलरली करना है तभी रिजल्ट मिलेगा 7 डेज, तो ये भी बहुत अच्छा प्रोसेस है। और एक जो मैं सबसे ज्यादा जब बहुत ज्यादा पेन होने लगता है और काफी डार्क सर्कल्स है, तो आप ये कर सकते हैं, एलोवेरा जेल लें, एलोवेरा जेल, थोड़ा सा एलोवेरा जेल लेके इस तरीके से, यू कैन सी इस तरीके से थोड़ा सा एलोवेरा जेल लेके एलिमेंट्स ऑयल जो होता है बादाम का तेल लेके, 2-3 बादाम का तेल लेके एक इस टाइप से सीरम सा बना के इस तरीके से, यू कैन सी सीरम सा बना के अपनी आईज के आगे पीछे अच्छी मसाज देनी है इस तरीके से,
बहुत अच्छे तरीके से ऐसे ऐसे करके इस साइड भी इस तरीके से आपको मसाज करनी है अपनी आईज पे। जस्ट 2 मिनट्स और 1 मिनट जितना भी मतलब आपका मन करता है रोज सोने से पहले। आप चाहो तो इसमें विटामिन ई की कैप्सूल्स जो आती हैं वो भी डाल सकते हो, अदरवाइज आई थिंक बादाम का तेल जो है एलिमेंट्स ऑयल इज बेस्ट फॉर यू, और एलोवेरा जेल कोई भी एलोवेरा जेल यूज करके यू जस्ट ऐसे हल्के हाथों से करके आगे पीछे करके इसको मसाज करना है, करके सो जाओ। सुबह जब आप उठोगे तो आप देखोगे वाओ क्या रिजल्ट है। तो ऐसा हो जाएगा, 7 डेज आपको ये रेमेडी फॉलो करनी है। आपके डार्क सर्कल्स एक्ने यहाँ पे काफ़ी यू नो पिगमेंटेशन भी हो जाती है कई बार, तो वो भी ठीक हो जाएगी। आईज में पेन है वो भी ठीक हो जाएगा, और बिल्कुल यू नो अच्छी जो भी आपकी फुल जो फेस है उसके साथ आईज का जो कलर है वो मैच हो जाएगा। कोई तो इस रेमेडी से आपके 7 डेज के अंदर सारे डार्क सर्कल्स चले जाएंगे और आईज रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और जो भी लोग ये रेमेडी ट्राई करेंगे प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो कि क्या रिजल्ट्स आए हैं। So that's it for today's video. Milte hain next video mein. Till then, bye bye.